नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रामन ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। जिला प्रशासन की कार्यशैली ठीक नहीं है, सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक किया जाएगा। आजमगढ़ जनपद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रामन पहुंचे, जहां चंद्रशेखर ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर कुछ बिंदुओं पर बात की। हालांकि इस दौरान पुलिस और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई। माहौल बिगड़ने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में आला अधिकारी सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। शहर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रामन ने कहा कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इस सरकार में अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि शहर की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। मौजूदा सरकार पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रामन ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को सही किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार विरोधियों को ठिकाने पर लगा रही है। क्या कुछ कहा आपको हम सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। देखिए, हम लोग आज आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। पिछले एक महीने में रात में आया था, मैंने चेक किया तो 40 से ज़्यादा घटनाएं हुई जिसपे कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार मैं आया था बांसगांव प्रकरण में, जहां प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई थी, लेकिन मुझे अतरौली बॉर्डर पर रोक दिया गया था उस टोल टैक्स पर, और मुझसे कहा गया कि हम वहाँ न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। आशा और उम्मीद थी कि न्यायोचित कार्रवाई होगी, लेकिन पीड़ित परिवार की जो मांगे जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई थी कि हम करेंगे, उसमें कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। तो मैं अभी मिल के आया हूँ जिलाधिकारी से और उनसे पूछ के आया हूँ कि वो इस चेयर पे हैं तो क्या जनता का कार्य नहीं होगा क्या। तो उनको इस बात पर खेद है और आशा और उम्मीद है कि अब वो जिम्मेदारी से काम करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में गरीब आदमी विश्व का जो विश्वास है वो सरकार खो चुकी है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने बहुत वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप देंगे, ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाएंगे, बिजली व्यवस्था ठीक करेंगे, यहाँ जो है कुशासन जो चल रहा है कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, और तमाम वादे किए थे, वो धरातल पर कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ये सरकार जो है झूठे वादों पर टिक रही है और ज़्यादा दिन ये सरकार टिकी नहीं रहेगी। हम आजमगढ़ में एक मजबूत संगठन तैयार करेंगे और आने वाले चुनाव में मजबूत जो है अपनी बात मजबूती से रखेंगे। धन्यवाद। परिवार की मांग क्या है? पीड़ित परिवार की मांग ये है कि वो जो ग्राम प्रधान थे वो तो अभी यहाँ नहीं रहे हैं। मैंने डीएम साहब से पूछा कि आप ये बताइए, वो मुझसे कह रहे थे कि भाई हम यहाँ जो कार्रवाई तो हुई है, मैंने कहा किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को किसने दिया, और अगर ये बढ़ रही हैं लगातार और आप यहाँ कुर्सियों पर हैं तो आप यहाँ क्यों हैं? आप भी तो जनता के नौकर हैं, तनख्वाह के लिए तो यहाँ तनख्वाह आपको मिलती है। तो मुझे तो तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन आप अपना काम जिम्मेदारी से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पीड़ित परिवार की मांग थी कि उन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी जिनके फादर चले गए, और उनका जीवन कैसे यापन होगा जिनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी प्रधानी तो चली गई, लेकिन जो सम्मान भी था दलित समाज का वो भी गया है, उस सम्मान को आप कैसे लौटाएंगे? आज भी पीड़ित परिवार डरा हुआ है, कोई सुरक्षा व्यवस्था वहाँ नहीं है। तो मुझे खेद है कि बड़ी बड़ी बातें हो रही लेकिन काम नहीं हो रहा है। अच्छा, इस दुखद जातिगत मुद्दों की बात की जाए तो और भी दलित परिवार पे कई उत्पीड़न हुए हैं, उन पर आपकी नज़र कब तक पड़ेगी? और मैंने उन सारियों को लिस्टेड करके मैंने बताया कि वो लगभग 39-40 घटना थी। मैंने वो डीएम साहब के सामने रखी है कि भाई ये बताइए कि अगर आप यहाँ व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं तो ये इन घटनाओं पर काम क्यों नहीं हो रहा, और अगर काम नहीं हो रहा है तो आप ये बताइए कि आप यहाँ क्यों हैं? कैसे अधिकारी हैं जो आपके नेतृत्व में जो है यहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा? और यही बात मैं जो है यहाँ के SSP से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि जब वो क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े बड़े हवाई दावे क्यों करते हैं? और जो बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही, कानून व्यवस्था के नाम पे जो है राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम जो उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, वो जो तमाम इनकाउंटर सब चीज़ें हैं जो राजनीतिक विरोधी है उनको सरकारी तंत्र से मरवाने का काम कर रही है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल में बस क्या रणनीति बना रहे हैं आगे? सर, पहली बात तो पूर्वांचल भी देश का एक हिस्सा है और बसपा तो करती है लेकिन भाजपा ज़्यादा करती है। यहाँ तो प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि मुझे दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, और उन दलितों के को जो है इस उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का बजट इतना कम कर दिया गया, स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई है, और अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी जिसमें SC ST OBC के बच्चे धरना दे रहे हैं कि आरक्षण का जो नियम अनुसार पालन नहीं हुआ है। उनके बातों पे ना करने के बजाय जो है सरकार पे झूठ है कि वो कहते हैं कि ये लोग तो भेजे गए हैं विपक्ष के हैं। मेरी जिम्मेदारी यह है कि अब दलितों के साथ साथ बहुजन समाज के पास दो विकल्प,
जो अच्छा कार्य करेगा, जो संघर्ष करेगा, उनके मुद्दों पे बात करेगा, उनके लिए लड़ेगा, उनके लिए सड़क से लेके और विधानसभाओं के बाहर जो लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा, लाठियां खाएगा, जेल खाएगा जाएगा, जनता उनके साथ रहेगी। या जो लोग एसी में बैठ के सिर्फ उनकी बातें करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनके साथ रहेगी। जनता पे च्वाइस है, अगर मैं गलत करूंगा तो जनता मेरा साथ नहीं देगी, लेकिन ये जन समर्थन इस बात का गवाह है कि मेरा काम जो है आगे बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ एक मजबूत संगठन का निर्माण करूंगा, वो संगठन जो यहाँ गरीबों की, कमजोरों की, शोषित वंचितों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। जी, पंचायत चुनाव में ईमानदार और संघर्षशील वो लोग जो संघर्ष करते हैं और समाज में जिनकी पहचान है, भले ही वो गरीब हो, उनको मौका दिया जाएगा और उनको आगे बढ़ने का मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि लोकतंत्र बनाया इसलिए गया था कि गरीब व्यक्ति भी राजनीति कर सके और अपने समाज का भला कर सके। आभार, धन्यवाद।